97 न्यूज़। राजधानी भोपाल में पुलिस ने करोड़ों रुपए कीमत के अवैध ड्रग्स के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस कमिश्नर भोपाल हरि नारायण चौरी के मुताबिक बरामद चौरस प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खेप है, जिसमें भोपाल क्राइम ब्रांच ने 12 करोड़ 50 लाख की 36 किलो से ज्यादा की चौरस की खेप पकड़ी है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो भोपाल में चौरस की खेप को ठिकाने लगाने आए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल से सस्ते दामों में लाकर भोपाल में खपाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। यह पूरी कार्यवाही ड्रग्स के खिलाफ अभियान ऑपरेशन अंकुश के तहत की गई है। पुलिस ने यह कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चौरी मिश्र ने बताया कि आरोपी सस्ते दामों में अवैध मादक पदार्थ नेपाल से लेकर आते थे। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो आरोपी नेपाल से चरस की बड़ी खेप लेकर भोपाल पहुंचे हैं और वह कोच फैक्ट्री के पास जंगल में सप्लाई के लिए बैठे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वह बिहार के रहने वाले हैं और नेपाल बॉर्डर से आने वाले अवैध मादक पदार्थ को गिरोह के माध्यम से भोपाल पहुँचाने का काम काफी समय से कर रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव के समय नेपाल से आई एक बड़ी करोड़ों रुपए की चरस की खेप पुलिस पकड़ चुकी है, जिसके आरोपी जेल में है। पुलिस को इसमें नेपाल से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल सहित अन्य शहरों से भी लिंक होने की जानकारी मिली है, जिसमें पुलिस जांच करके कार्यवाही कर रही है। साथ ही पुलिस इनके स्थानीय लिंक को भी तलाश रही है। इसके अलावा पूर्व में पकड़े गए आरोपियों के साथ संबंध होने की भी जाँच की जा रही है। मगर ड्रग्स की इस बड़ी खेप के पकड़ने से स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स का बड़ा अवैध कारोबार हो रहा है, जिसके अंतर्राज्यीय स्तर पर लिंक है। पुलिस की सफलता को लेकर पुलिस कमिश्नर भोपाल ने पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पिछले साल लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न मादक पदार्थों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की थी। उसी कड़ी में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ जानकारियां मिली थी और उन जानकारियों को पुलिस ने लगातार उस पर काम किया। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम के साथ साथ उनके नेतृत्व में लगातार उन सूचनाओं को विकसित किया और उसमें एक बड़ी सफलता मिली, जब कल लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के इस तरह के बहुत बड़े खेप को, एक ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 36 किलोग्राम से ज़्यादा चरस पकड़ी गई और उसमें साथ ही साथ इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया है, जिसमें इसके नेपाल के रास्ते आने की कुछ जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे लिंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे दुष्चक्र से जुड़े हुए हैं। इसमें दो आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से पूरी खेप पकड़ी गई है। साथ ही साथ इनके इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से कुछ मिलने की और उनसे इस तरह के आपराधिक साठगांठ की इसमें सूचना प्रथम दृष्टि आई है, जिनके लोगों को पुलिस अभी सत्यापित कर रही है कि उनमें कौन से लोग हैं, जिनकी पहचान करके उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी टीम को, जिसमें डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम और पूरी टीम है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, खासतौर पर इस बड़ी सफलता के लिए। और ख़ासतौर पर पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी ड्रग्स के खिलाफ में, एक बड़ी मुहिम चल रही थी, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी आपदा की तरह है जो कि पूरे युवा वर्ग को पूरी तरीके से तोड़ देता है और कमजोर करता है, तो इसको लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है और उस कड़ी में यह एक बड़ी सफलता। पूर्व में पकड़े गए थे, पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है, नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है, छोटी छोटी जो कड़ियाँ जो स्थानीय स्तर पर हैं पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनके नाम सामने आएंगे। के अंदर किसको बेचने के लिए लाए, खरीदार कौन थे भोपाल में, लाते थे यहां तक पहुंचना इतनी बड़ी मात्रा में चरस पहुंची और कौन-कौन? सामान्य तौर पर ट्रेन के माध्यम से लाते थे, ट्रेन में जो एक सामान का जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं अच्छी, जो लंबी दूरी की भी जो ट्रेन थी, इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन पे लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूंकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख दें तो
पकड़ना समझौता मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर ही पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह के कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है। ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खास तौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं उससे पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है। तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्कों को खंगालेगी, इनके नए सूत्र जो इनके संपर्क में हैं उन तक पुलिस पहुँचेगी और घटनाक्रम को एक जो बड़ी रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में सामने आए। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं लेकिन अभी चूँकि घटना पुलिस को उन तक पहुँचना है, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है, इस कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए उनका नाम अभी लिया जाना उचित। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज़। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।